गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अलग ही रेसिपी लेके आई हूँ। हम जो अचार डालते हैं उसका तेल बच जाता है और वो हम फेंक देते हैं, हम कोई भी इसका यूज नहीं करते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं कि इसका यूज किस तरह कर सकते हैं। हम आपको आज इसके परांठे बना के दिखाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए आप देखिए। ये देखिए, यहाँ पे हम इसको परांठे की तरह बेल लेंगे और फिर इसका परांठा बनाएंगे। जो मेरे पास गाजर के अचार का ऑयल बच गया था उससे परांठा बनाएंगे। आइए इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको बेल लिया है। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम सेकेंगे। जैसे परांठा सेकते हैं उसी तरह से हम इसको भी सेकेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, हमारे एक तरफ से सेक गया, दूसरी तरफ से सेकने के बाद इसको फेंक लेंगे। ये देखिए, ये नीचे से भी सिक गए। हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके इस पर इस तरह से फैलाएंगे। ये देखिए, बस परांठे की तरह ही इसको बनाना है और कुछ नहीं करना है। जो ये दही अचार के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए, हमारा परांठा बनके एकदम तैयार हो गया है। अब इसको हम अचार और दही के साथ खा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे बेल बटन दबाना, जो हम आपको आगे भी नई नई रेसिपी की वीडियो लेके आज के लिए यहीं पे ब्लॉग करते हैं। ओके, बाय।